नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर्षे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहां पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, विज्ञान। ठीक है, और ये हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 14 लेक्चर और पढ़ाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में आप जाइए और सारे लेक्चर आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिए ताकि जो आगे का सिलेबस है वो आपको समझ में आ जाए। पाठ यहाँ पर ये जो है वो दूसरा चल रहा है। ठीक है, तो पाठ का नाम जो है वो है अम्ल क्षार तथा लवण, यानी एसिड बेस एंड सेल्स। ठीक, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को आगे हमको डिस्कस करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दिस इज माई यूट्यूब चैनल, यानी कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, समय से जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा वो आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपको पता है हमने क्या बताया कि चैप्टर जो है वो हमारा है अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ विशेष चीज़ें हम लोग सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे, जैसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने जो लवण का जल अपघटन होता है वह कैसा होता है, हमको ये पढ़ना है आज। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया था, देखिए बात यह है कि अगर इसमें कोई प्रबल होता, ठीक है एक मिनट, हाँ जी, अगर इसमें कोई प्रबल होता तो वही जीतता। आपको पता है ना, जब कभी एक कमज़ोर की किसी ताकतवर से लड़ाई होती है तो ज़्यादातर जो अधिकांशता होता है वो कौन जीतता है, प्रबल ही जीतेगा, दमदार जीतेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो दुर्बल अम्ल हो दुर्बल क्षार हो, और जब उनका कॉम्बिनेशन यानी कि उनकी अभिक्रिया कराई जाए तो उनका जो जल अपघटन होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर आपको याद देना है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कैसा होता है। तो आपको आंसर देना है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण जो होता है इसका जल अपघटन जो होता है या तो वो अम्ली होगा या वो क्षारी होगा और या वो उदासीन होगा, यानी कि या तो वो अम्ली भी हो सकता है ना, क्षारी भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। ये कंडीशंस पर निर्भर करता है कि कैसे आप अम्ल ले रहे हैं, कौन सा अम्ल ले रहे हैं और आप कौन सा क्षार ले रहे हैं और उनका आयनन कितना होता है, उस आधार पर आपका जो निकलेगा। बस आपको याद क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल जो अम्ल होते हैं और दुर्बल जो क्षार होते हैं, इनसे बना जो लवण का जल अपघटन होता है वह तो अम्ली होगा या क्षारी होगा या उदासीन होगा। ऑब्जेक्टो में यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ठीक, जल का आयनन आप पहले ही जानते हैं क्या होता है, जल का आयनन होता है जब हम आयनन कराते हैं तो उसमें एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन, दो आयन जो हैं वो प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर एन एच फोर का होल टू सी ओ थ्री यानी कि अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं, तो यहाँ पर इसका धनायन प्राप्त होता है, इसका ऋणायन प्राप्त होता है। तो आपको ये तो पता ही है कि इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका जो माइनस होगा वो इसके प्लस से जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, यानी कि अगर बात की जाए तो ये इससे जुड़ेगा और ये जो है भाई वो इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आयनन कराएंगे हम तो आयनन क्या होगा, एन एच फोर का ओ एच से कराएंगे तो एन एच फोर ओ एच होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2H जो होता है यानी कि हाइड्रोजन आयन की अभिक्रिया जब CO3 कार्बोनेट आयन से होती है तो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बनता है, जब ये बनता है तो ये क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, यही क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो अगर इन दोनों का हम लोग अभिक्रिया करा रहे, ठीक है ना, तो वो विलयन जो है वो अम्ली भी हो सकता है, क्षारी भी हो सकता है और उदासीन हो सकता है। बस आपको याद क्या करना है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जो जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, वह या तो अम्ली होगा या क्षारी होगा और या फिर उदासीन होगा। ठीक है, ये हमको याद करना है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे जो है, अब देखिए यहाँ पर दुर्बल दुर्बल हो गए हमारे। ठीक है, अब लास्ट आपका बचता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या देना है कि देखो, तो पहले तो इस श्रेणी का लवण होता कौन सा है, तो NaCl जो होता है वो इसी श्रेणी का लवण है। किस श्रेणी का लवण है, यानी कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से जो बने लवण होते हैं उनका जो जल अपघटन होता है वो कैसा होता है, वो आपका होता है, वो आपको यही पता करना है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो विलयन जो होता है वो असल में कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। क्यों होता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों होता है। ठीक है, अभी तक या तो विलयन अम्ली हो रहा था या क्षारी हो रहा था या तीसरे वाले में अम्ली क्षारी या उदासीन हो सकता है, तो इसकी कंडीशन में ऐसा क्या है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि NaCl जो है वो इसी श्रेणी का लवण होता है। अब इसकी भाषा क्या है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। इस श्रेणी के लवण को जल में घोलने पर इसका जो आयनन है वो हो जाता है, लेकिन जल से क्रिया नहीं होती है,
ध्यान देना आप लोग, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो इसका आयनन तो हो जाता है, यानी कि Na प्लस जो है और Cl माइनस है, ये आयन बन जाएंगे आपके, सोडियम आयन और क्लोराइड आपके बनेंगे। लेकिन ये जो आयन होते थे पीछे क्या होता था, गौर कीजिए, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो ये प्लस, ये देखो जल हो गया हमारा, हो गया जल का ये जो प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है, जल का ये माइनस वाला हिस्सा है, ये इसका प्लस वाला हिस्सा हो गया और ये इसका माइनस वाला हिस्सा हो गया। तो पहले क्या होता था कि प्लस जो होता था, यानी कि इसका जो प्लस है, ठीक है, इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से अभिक्रिया करेगा और इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करता था, यही तो था, यानी कि लवण जो हमने लिया है इसका जल अपघटन होता था, उसके बाद ये जल से अभिक्रिया करता था, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अमोनियम आयन ने हाइड्रोक्साइड आयन से अभिक्रिया कर ली और हाइड्रोजन आयन ने कार्बोनेट आयन से अभिक्रिया कर ली ना, तो यहाँ पर ये चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन असल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी अभिक्रिया नहीं होती है, समझ में ना, आयनन तो होता है बट इनकी जो अभिक्रिया होती है जल से, किससे, जल से इनकी अभिक्रिया नहीं होती है। इसी कारण जो होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारी जो विलयन होता है, क्षार से बना यानी लवण का जो जल अपघटन होता है, उसमें कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि देखिए आयनन होना एक अलग बात है, NaCl का हमने आयनन कराया Na प्लस और Cl माइनस, अभी जब तक तो ये यही रहेंगे ना, कब तक ये रहेंगे, जब तक ये रहेंगे जब तक कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब मान लो NaCl का आप आयनन कराते हैं तो क्या होता है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस है, तो अभी तो हमें कोई नया कंपाउंड नहीं मिला ना, क्योंकि अभी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने किसी से अभिक्रिया नहीं की है, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि आयनन तो हो रहा है, पर ये जो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो जब जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई भी नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जितने पॉजिटिव, आपको पता है अगर Na में एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, दो Na होंगे तो दो Cl होंगे, चार Na होगा तो चार Cl होगा। तो सीधी सी भाषा में अगर बात समझी जाए, क्या समझी जाए, कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने जो लवण का जल अपघटन होता है वो भाई साहब कैसा होता है, वो आपका होता है उदासीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। क्वेश्चन यही बनता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनी लवण का जो जल अपघटन होता है वो कैसा होता है, तो आपको यही आंसर देना है कि जो लवण का जल अपघटन होता है वो आपका होता है उदासीन, ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हमको क्या पढ़ना है, अब यहां से हमारे शुरू होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, है ना, कंपाउंड, यानी कि कुछ विशेष योगों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिनका यूजेस जो हैं वो हमारी डेली जो रूटीन की लाइफ होती है उसमें होते रहते हैं। नमक आप लोग जानते हैं, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी दिन आपके यहाँ होगा, हाँ व्रत की अगर बात की जाए तो भले ही आप नमक को उस दिन ना खाएं, भले ही क्या आप खाएंगे नहीं ना, व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, ठीक है, बाकी डेली यूजेस में आप नमक तो यूज करते ही हैं, सब्जी बनती है, आप नहीं खाते हैं तो कोई नमकीन चीज़ खाते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप खाते हो, बाहर से बतासे पीते होंगे, ठीक है ना, टिक्की खाते होंगे, समोसा खाते होंगे, कई चीज़ें हैं जो आप खाते होंगे, उन सब में क्या डलता है, नमक, ठीक है ना। तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड नमक, साधारण नमक कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है, बनाने की विधि तो हमें यहाँ पर नहीं प्राप्त करनी है, यानी कि नहीं बनाना सीखना है, पर हम लोग ये जरूर सीखेंगे ये प्राप्त कैसे होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता कर लेना है, ये पॉइंट जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखे हैं, देख रहे हैं, वैसे ही आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाला जो नमक होता है, साधारण नमक होता है, ठीक है, ये जो नमक प्राप्त होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, क्योंकि NaCl बेटा क्या होता है, साधारण नमक, तो ये भी क्या है, लवण है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो बेटा ये समुद्री जल से प्राप्त होता है, इसीलिए समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है। अगर आप समुद्र में कहीं या कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पीने के लिए आपके पास पानी नहीं, लेकिन आपके पास समुद्र है, तो आप उससे अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं, इसलिए आप उसका सेवन नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको पी ही नहीं सकते, ठीक है। तो समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं, परंतु जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि नमक, इसकी मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए, यह एक सामान्य लवण है, यह इसको हम उदासीन लवण भी कह सकते हैं, ठीक है, और यह एक खनिज है, क्या है, खनिज लवण भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये क्यारी टाइप की बनी है, देखो ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्यारी टाइप की ये बनी हुई है। इसमें होता क्या है, इसमें समुद्री जल को पहले इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्री जल में क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं,
बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे में हमको क्या चाहिए भाई, हमको तो भाई NaCl से मतलब है। तो हम लोग करते क्या हैं कि ऐसी जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये वाला हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें समुद्री जल को भर देते हैं। ठीक है, जब समुद्री जल को यहाँ पर भर दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पन होता है। पता ही आपको कि जल जैसी धूप पड़ती है तो जल जो होता है वाष्पावस्था में बदलता है, सूखता है जल। ठीक है, जब वो बदलता है तो जो जल की मात्रा होती है वो तो भाई ऊपर उड़ जाती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो शेष रह जाता है वो सिर्फ आपका रह जाता है खनिज लवण। ठीक है, अब बोले क्या सिर्फ NaCl होता है, बिल्कुल नहीं भाई, इसमें NaCl के अलावा भी अशुद्धियाँ होती हैं, कई प्रकार के लवण होते हैं जिन्हें हमको अलग करना होता है। तो ये भाई विधि है। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा हो ये कोई व्यक्ति है जो इन क्यारियों में पानी भरा हुआ है, इनका बासपन अभी हुआ नहीं है, जब ये भी उड़ जाएगा तो इसी प्रकार से उसको नमक ये सब वाइट वाइट आपको दिखाई देता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नमक। हालांकि ये शुद्ध नहीं है अभी, फिर इसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तब इसको शुद्ध नमक आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ताकि हमें हानि ना पहुंचे, ऐसा नहीं है कि आप समुद्र से निकाला और अपने यही पत्थर टाइप का लाया और अपने सीधे सब्जी में डाल दिया, हानि पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे समय खराब लवण भी होते हैं, अशुद्धियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो उसको शुद्ध करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। अगला हमारा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी थोड़ी विधि भी जानेंगे हम लोग कि उसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है यानी कि NaCl, जानते हैं ना आप लोग। ठीक है, अभी हाल हमने आपको बताया, तो सोडियम क्लोराइड के अगर जली विलयन में यानी कि इसको जल में घोल दिया जाए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रवाहित करने पर ये वियोजित हो जाता है, आपको पता ही है इसका क्या होगा, Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस, क्योंकि यही दो आयन होते हैं इसमें। और ये जो आयन होते हैं वो जल के साथ कर लेते हैं अभिक्रिया। क्या कर लेते हैं, आयन। आप कब कहेंगे सर आपने पीछे बताया कि अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, तो वो साधारण रिएक्शन थी, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जल से अब अभिक्रिया होती है तो बेटा वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है। NaOH आप लोग जानते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है फॉर्मूला। क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है, तीन चीज़ें बनती हैं। अगर आप सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है, क्लोरीन यानी कि Cl2 गैस बनती है, और प्लस के हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, ये तीन चीज़ें बनती हैं। अब होता क्या है पहले वो समझना बहुत अच्छे से, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। क्या बनता है, चलिए बात करते हैं। क्लोरीन को हम लोग क्लोर कहते हैं, ठीक है, और सोडियम को हम लोग भैया एक क्षार होती है, पता है ना। क्लोरीन को हम लोग यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोर कहते हैं। ठीक है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक प्रकार का क्षार है। तो यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया किससे हो रही, क्षार से हो रही, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका बनता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब भी आप इसको लिखें, या तो आप ब्लैक से लिखें इसको, और यहाँ पर इसको मार्क कर लें। ठीक है, इसको मार्क कर लें आप लोग, ताकि आपको याद चलते रहे, स्टार बना लें, जो भी आप जैसे भी मार्क करना चाहें इसको मार्क कर लें। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लोर जो है क्षार अभिक्रिया क्या है, तो आपको यही बताना होगा। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, ये हमारा आता है कंपाउंड। ठीक, यहाँ से हमारे जो महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं 4 से 5 उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धावन सोडा, ठीक है, और इसको हम लोग कहते क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वाशिंग सोडा। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आएगा, वाशिंग यानी कपड़े धोने वाले जो साबुन होते हैं, वाश करने जो होते हैं, उन सब में धावन सोडा का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको याद रहना है। सबसे पहला कंपाउंड जो है आप लिखेंगे कैसे, कॉपी के बीच में आप लोग डालेंगे धावन सोडा, फिर इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसी बच्चा आप लोग लिखा करें। ठीक है ना, तो अगर बात की जाए धावन सोडा की, वाशिंग सोडा की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है पहले समझिए। उससे पहले आपको ये समझना होगा अणुसूत्र क्या होता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, Na2CO3, इसको भाई हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर इसमें Na2 लिखा हो तो ये क्रिस्टली हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्रिस्टली। तो ये जो क्रिस्टली होता है इसी को बेटा हम लोग कहते हैं धावन सोडा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो आपका होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर इसमें जल की मात्रा लिखी हो वो भी इंटू में Na2 होना चाहिए, तो इसी को हम लोग पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, धावन सोडा। ठीक है, दोनों अलग चीज़ हैं, हालांकि बनता है Na2CO3 से, बस जली मात्रा में आप उसको क्रिस्टलन करा लें उसका, तो आपको धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। कहीं कहीं आपको रिएक्शन में Na2CO3 को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो धावन सोडा से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें याद रखनी है। क्लियर होगी बात बच्चा। चल देखो, धावन सोडा इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वाशिंग सोडा। ठीक,
अणुसूत्र की बात की जाए तो Na2CO3 × 10H2। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, धावन सोडा का फॉर्मूला है, Na2CO3 रहेगा ही भी, यहाँ पर जल की मात्रा में वो परिवर्तन कर देंगे, हो सकता है 8 कर दें, हो सकता है 6 कर दें, कई ऑप्शन में 6 दिया होगा, 8 दिया गया होगा किसी में, है ना, किसी में 4 दिया होगा, और जिसमें 10 दिया होगा 10H2, वही आपको मार्क कर देना है, टिक कर देना, आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर बात की जाए रासायनिक नाम क्या होता है, तो हिंदी में तो हम लोग इसको धावन सोडा कहते हैं, इंग्लिश में वाशिंग सोडा, रासायनिक नाम भी होना चाहिए इसका, बिल्कुल होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों लगा, क्योंकि 10 के लिए हम लोग लगाते हैं बेटा डेका, और हाइड्रेट जो यूज हो रहा है वो आपका हो रहा है जल के लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये तो हमने पढ़ा है ना, पहले पढ़ चुके हैं क्षणों में हम, तो डेका 10 के लिए लगाया, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। ठीक है, तो ये हमको याद करना है। निर्माण की विधि की बात की जाए, निर्माण की दो विधियाँ होती हैं। ठीक है, पहली तो भाई प्रयोगशाला विधि होती है, प्रयोगशाला में आप बोले अंतर क्या होता है इसमें, एक देखिए प्रयोगशाला विधि होती है और दूसरी जो होती है वो औद्योगिक विधि होती है। अंतर क्या होता है, जब किसी चीज़ का कृपया नमूना जो होता है तैयार करना होता है, जैसे कोरोना वैक्सीन पर अभी जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें बहुत बड़े स्तर पर दवाई का निर्माण नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी बनी नहीं है, अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पदार्थों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, और मिला के जब वैक्सीन डेवलप हो जाएगी, वैक्सीन बन जाएगी, हालांकि उसने दावा किया कि वैक्सीन बना ली है, ठीक है, उम्मीद आशा करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक वो वैक्सीन पहुंचे, ताकि हमारे जो जीवन है ऊपर से अपनी पटरी पर लौट चुके, सामान्य स्थिति में लौट सके और आप फिर से स्कूल आ सके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं, तो मैं तो यह चाहता हूं कि कल ही आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं, कई सारे ट्रायल होते हैं, कई सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद ही आप तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, ताकि वो आपको हानि ना पहुंचाए। वैक्सीन को बनाने में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कई साल लग जाते हैं वैक्सीन बनाने को। ठीक है, और आपको पता ही है ऐसे 5-6 महीना हो गए हमारे, 8 महीना हो गए हमारे, ठीक है, तो तब से ये चल रहा है और अभी तक वैक्सीन नहीं है, और हम इसमें जल्दबाजी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तब तक आप बचाव कीजिए जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आगे देखते हैं हम लोग, तो हमने क्या बताया, प्रयोगशाला में नमूना यानी थोड़ी मात्रा में बनाना हो तो प्रयोगशाला विधि, जब वो डेवलप हो जाती है, सही बन जाती है, फिर उसको औद्योगिक स्तर यानी बड़े स्तर पर बनाया जाता है। किसी चीज़ में मान लीजिए हम ब्रेड बनाने में किसी खाने वाले सोडा का यूज करते हैं, तो बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनी होगी वो उसको निर्माण कर रही होगी, प्रयोगशाला में थोड़ी मात्रा में, बस इतना आपको याद करना है। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, बहुत ईजिली, आप बस आपको सुनना है केयरफुली, आपको याद हो जाएगा। प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता क्या बच्चा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है NaOH, इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा, कि जली विलयन में, यानी कि इसका जली विलयन लें और उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रवाहित करें तो क्या प्राप्त होता है आपको, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है वो NaOH की अभिक्रिया किससे कराई, हमने कराई बेटा CO2 से, बन क्या रहा हमारा, जो तैयार हो रहा वो हमारा बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, और चूंकि यहाँ पर जल भी बनता है तो यहाँ पर जल की मात्रा हमने लिखी है। फिर से एक बार रिदम में जरा लेंगे हम लोग, प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया, ध्यान दें जरा बच्चे, ठीक है, प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा की के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम जो होता है कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त होता है। अब जली विलयन हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तक धावन सोडा प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो ये जो आपका जली विलयन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसी का यदि हम सांद्रण करें, क्या करें हम इसको सांद्रण करें और फिर उसको ठंडा कर दें, ठीक है, तो फिर हमको प्राप्त हो जाते हैं सोडियम कार्बोनेट अथवा धावन सोडा के क्रिस्टल। समझ में आ रहा है ना, हमने क्या कहा था कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है यही धावन सोडा है, लेकिन ये क्रिस्टली रूप में होना चाहिए, इनटू में 10H2 आपका लिखा होना चाहिए, जल इसमें मिला होना चाहिए क्रिस्टली रूप में, तब इसको हम लोग नाम देंगे, वो कहेंगे धावन सोडा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको पूरी बात क्या है। फिर से एक बार जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे, प्रयोगशाला में अगर आपको याद हो गया तो आप हमारे साथ साथ दोहराएंगे कि प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त होता है, प्राप्त जली विलयन का सांद्रण करके उसे ठंडा करने पर हमें जो है वो धावन सोडा के यानी सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। ये तो ठहरी हमारी प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना, क्या है फिर से एक बार देखेंगे, कास्टिक सोडा के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त होता है, जिसका जिस विलयन को क्या करते हैं सांद्रण करके ठंडा करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट का
जो जली विलयन होता है यानी क्रिस्टल जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं धावन सोडा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं धावन सोडा की, तो आप इसको देख लीजिए, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये रखा हुआ प्लेट में, यही है धावन सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा इसका यूज होता है साबुन बनाने में, कपड़े बनाने में, डिटर्जेंट वगैरह आते हैं ना, ये वॉश वाले आते हैं, इन सब में आपका धावन सोडा का प्रयोग होता है। ठीक है, संरचना की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये बेटा इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसकी रियल संरचना अगर देखी जाए तो इस प्रकार से जुड़ी होती है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं आपके, जैसे यहाँ पर एन ए हो गया हमारा पहला एलिमेंट, ओ हो गया हमारा दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पर कार्बन तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन से जो आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ना स्पोर्ट में, ये भाई आपके कार्बन है। ठीक है ना, और ये ज्यादा मात्रा में रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये भाई आपके ऑक्सीजन है, और ये आपको जो ये नीले नीले कलर के दिखाई दे रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये जो है वो आपके सोडियम आयन है। तो इस प्रकार से संरचना इसकी होती है, आपको देख रही है बहुत ही जो है इकट्ठे जुड़े होते हैं, वो ठोस अवस्था में है पता ही आपको, और ठोस अवस्था में जो परमाणु होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल पास पास घने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, पर ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, कभी कभार जब क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाएगा तब ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं बेटा, और बात करते हैं इसके भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती हैं, कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो फिजिकल इसके गुण क्या होते हैं वो समझ लीजिए, यानी भौतिक गुण। तो ये जो होता है नहीं कि सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, पहले तो जैसे कि हमने आपको पीछे इमेज दिखाई किस कलर का होता है, आप कहेंगे सर वाइट होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, पहला पॉइंट हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी गलनांक की बात करें तो अगर इसको 150 डिग्री सी पर गर्म किया जाए तो ये गल जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट की अगर बात की जाए तो यह जल में जो है वो विलय होता है, यानी कि यह जल में घुल जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसका प्रयोग साबुन में किया जाता है, जल में ना घुले तो फिर फायदा क्या है, साबुन से गंदगी कैसे निकालेगा ये, यानी कपड़ों से जो गंदगी हो कैसे निकालेगा। ठीक है ना, तो ये भाई हमारा भौतिक गुण होगा, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसका गलनांक 150 डिग्री से होता है, और यह जल में विलय होता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है हमारा, उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको आसानी से चीज़ें समझाऊँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेहनत अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है ना, और आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद यही करेंगे कि आप कॉपी में मेंशन करते होंगे इसको बहुत अच्छे से, और आप उसको याद भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ अपनों से, धन्यवाद।